अस्सलामु अलैकुम मेरे बहनों और भाइयों, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह ताला आपको, आपके बीवी बच्चों को, आपके बहन भाइयों को, सबको लंबी से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे और कदम कदम पर आपकी हिफाजत फरमाए। तो आज उसी चैनल का, जिन आपके अटैक वाले की वीडियो का फिर रिव्यू लेके आया हूँ, क्योंकि ये अब एक घर में गया है, वहाँ पर पहले तो इसने लाइट नहीं बढ़ाता था, अब लाइट बढ़ाई है, कुछ लाइट बढ़ाई है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया है कि अब लोग इसको कहने शुरू हो गए थे कि फेक वीडियो बनाता है, इसको जिन्नात ही सामने नज़र आते हैं, तो इसके कैमरे के सामने ही नज़र आते हैं। तो इसने क्या किया है, इसने अब एक्टिविटी चार पाइयाँ गिरानी शुरू कर दी, ग्लास गिराने शुरू कर दिए और बांस गिराने शुरू कर दिए, फट्टे गिराने शुरू कर दिए, और चार पाइयाँ साफ पता चलता है कि इसने वो किसी ने धक्का लगाया है या किसी चीज़ की अड़ेस से, गैस की पाइप से खींच कर जो चार पाइयाँ गिराई गई हैं। तो इसकी वीडियो देखें तो फिर इसके बाद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, इसकी एक और वीडियो आ गई जी, ये देखें ज़रा, ये चार पाई गिराई है, ठीक है। आगे भी देखते जाएं इसकी कारस्तानी, अब फटा गिरेगा। अंदर आया ग्लास, मेरा ख्याल है गिरेगा, किचन के अंदर आया तो ये भी आप खुद गिराएगा। जब ग्लास नीचे गिर जाता है फिर दिखाता है, ये देखें अब ग्लास गिरा रही है, बिल्कुल करीब खड़ा है तो खुद गिरा रहे हैं, ये देखें कितना फासला है। इसकी वीडियो की फासला नोट किया करें आप खुद, अब दिखाएंगे बाहर, देखेगा तो एक फटा गिरेगा, ये देखें ये ग्राई है तारों को हिलाकर, वो सामने गैस का पाइप है, मेरा ख्याल है गैस का पाइप है, उसको हिलाया तो ये गिरे हैं। अब एक फटा गिरेगा, फटा के नीचे कैमरा रखेगा तो फटा गिरेगा, ये देखें आप, यहाँ पर इधर ये कैमरा नीचे ही रखा हुआ है ना, ये वो गिर गया, ये गिरेगा, ये देखें, ठीक है। अब चार पाई गिराएगा, ये देखें जिस जिस पर कैमरा जाएगा ना वो ही गिरती जाएगी, ये देखें वो पाइप सामने आया ना, ये गिर गई, ठीक है। अब दूसरी भी गिराएगा, कैमरा दूसरी तरफ करेगा, ये देखें अब दूसरी गिराएगा, वो उसका साया भी नज़र आएगा, गिरती हुई का साया नज़र आएगा, ये देखें वो देखें ये गिरी है, ठीक है। कितनी फेक वीडियो बनाता है, अब छत पे जाएगा तो सामने वो चीज़ नज़र आएगी, ये गिरा है जी, अब चार पाई हमारे सामने गिरी है जी, ये भी गिरी है जी, वो भी गिरी है जी, सब कुछ गिरा है भाई, हम मानते हैं आप हकीकत में सब कुछ गिराते हो, आप बहुत हिम्मत वाले हो यार, आप बहुत हिम्मत वाले हो, आप तो उनका सामना करते हो, उनके सामने खड़े हो जाते हो, आप में इतनी हिम्मत है, इतना बहादुर मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा, मैंने क्या पूरी दुनिया ने नहीं दिखा इतना बहादुर बंदा, अब ये शुक्र अदा करते हैं कि इसकी लाइट पूरी है, ये देखें जी ऊपर कैमरा गया वो सामने जी, वो बच्चा है जो बच्चा वीडियो में लाता है ना, ये वही बच्चा है, बच्चे को ये सब कुछ गेटअप करा के ना सामने खड़ा किया गया,
ठीक है जी, अब ऊपर जाएगा। बड़ा हिम्मत वाला यार इंसान, इसकी दाद देनी चाहिए, इसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। ये जिन्नात का सामना करता है, पूरी बहादुरी से सामना करता है और डट कर उनके सामने खड़ा हो जाता है। इसको डर खौफ नहीं आता, ना ही इसके अंदर डर खौफ है। यार हमें भी साथ रख लो। ये देखें वो बच्चा, ठीक है, इस तरह कभी सामने आता है? आप खुद अंदाजा करें इस तरह कभी होता है। देख लें जी, ये बहादुर आप खुद ऊपर चढ़ेगा। ये देखें, चल ऊपर, ये वो देखें बच्चा, ठीक है। किसी इंसान के पाँव हैं, किसी हवाई पावर के पाँव नहीं हैं, ठीक है, ये इंसान के बच्चे के पाँव हैं। अब जी इसने गैप करना है, इसे कट लगा कर। अब लाइट इसने कम कर दी है ऊपर आकर। लाइट इसने कम कर दी है यार, उसके पास जा, क्या हो गया? अब बहादुर बंदा है तू, उसके पास तो जा, दुनिया को दिखाना नहीं। ये देखें गैप कर गया, ठीक है। अब दोबारा देखें, कट लगेगा। ये देखें, अब दोबारा देखें, मैंने बार बार आपको दिखा रहा हूँ कि ये कट लगाता है, ये कट लगाता है। ठीक है, ये बहुत बहादुर बंदा है यार, इसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, इसको तो इनाम देना चाहिए। ऐसी वीडियो कोई नहीं बना सकता, ना ही कभी किसी ने बनाई है। जो देखा जी आपने, अल्लाह माफी। ये देखें दोबारा कट लगेगा। लगा कट, ये लग गया जी। फिर देखें कट, फिर देखें ये गया, फिर देखें साफ पता चलता है यार कट लगाता है, वीडियो में कट लगाता है। ये गया, अब दोबारा एक बार फिर देखें, ठीक है जी कट हो गया। तो अल्लाह हाफिज़ जी। तो भाईजान आपने वीडियो देखी इसकी, तो कैसे गिराता है और कैसे, जब देखें ये किचन में जाता है ना ग्लास जब गिरता है, तो इसका फासला और जो शेड बना हुआ है ना किचन का, उसका फासला देखे कि इंसान आराम से हाथ से गिरा सकता है, ठीक है। और चारपाई भी जब गिरा देता है फिर कैमरा उधर करता है, तो इसके साथ और दूसरा बंदा भी है जो से ये सब काम करता है। और फिर इसके बाद ये कहता है जी छत पर चलते हैं, क्योंकि इसको पता है वे प्लान के तहत वीडियो बनाता है, तो फिर ये छत पर जाने की कोशिश करता है। वहाँ पर इसने सुरख कपड़ा दे के, बड़े बड़े बाल लगा के, विग लगा के एक बच्चे को खड़ा किया हुआ है, और ये छत पे जाता है, और छत पे जाके फिर वो देखता है हुए ये तो जिन्नात है। तो जिन्नात कभी भी किसी और के कैमरे के सामने नहीं आते, इसके कैमरे के सामने वो खड़े रहते हैं, ठीक है। और वो भी इतनी देर खड़े रहते हैं कि जब तक इसकी वीडियो ख़त्म नहीं ना होती तो वो जिन्नात नहीं जाते।
तो इतना बेवकूफ़ इंसान है ये कि दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, ये खुद बड़ा बेवकूफ़ है। तो मेरे भाई अपनी वीडियो को ठीक करो, अगर वीडियो बनानी है तो सच पर मबनी बनाओ, ऐसी झूठी वीडियो सब मैंने आपके कमेंट पढ़े हैं, तो आपके कमेंट बॉक्स में आप खुद जाकर पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है लोगों ने। तो अच्छी वीडियो सबको पसंद आती है और बुरी वीडियो से सब गुरेज करते हैं, तो आप अच्छी वीडियो लेकर आओ, जो दिखाना है तो असल दिखाओ, झूठ ना दिखाओ, झूठ अल्लाह ताला को पसंद नहीं, अल्लाह ताला को सच्चे बंदे पसंद है, सच्चा अल्लाह का दोस्त है और झूठा शैतान का दोस्त है, तो आप शैतान के नहीं रहमान के दोस्त बनो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप छोड़ जाओगे, ये असल काम करोगे जो हकीकत है, तो अल्लाह ताला इसको हदायत दे। इसी के साथ इजाज़त दें, जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी सम्मान में रखे, अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज़।